Now, friend, let me discuss about the emerging challenges in rural development. अब emerging challenges जो हैं उसमें जो पहला चैलेंज है वो ये है कि employment outside agriculture या हम इसको कह सकते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज पर emphasis करना, ज़्यादा एक्टिविटीज जो हो वो नॉन फार्म एक्टिविटीज हो। सो स्टूडेंट्स, वो एक्टिविटीज क्या हो सकती हैं या फिर क्या सजेस्ट एक्टिविटीज हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, चलिए एक बार स्टडी करते हैं। नंबर वन इज, स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है फार्मिंग के साथ, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देता है रूरल एरियाज के। एनिमल हस्बेंड्री को हम लाइव स्टॉक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। लाइव स्टॉक फार्मिंग का मतलब यह है कि ऐसा स्टॉक जो जिंदा हो, और वो क्या हो सकते हैं, वो एनिमल्स ही हो सकते हैं। लाइव स्टॉक फार्मिंग इंडिया के अंदर आज के टाइम में लाइव स्टॉक जो है वो मैक्सिमम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर देखा हमारे यहाँ 42% कैटल है, 25% गोट पॉपुलेशन है, अगर ऑल ओवर द पॉपुलेशन देखते हैं हम लाइव स्टॉक की, और 20% शिप। लाइव स्टॉक फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एरिया जहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटीज कम है और दे आर एरिड और सेमी एरिड, मतलब या तो सूखे से ग्रस्त रहते हैं या फिर सूखे से ग्रस्त रहने की संभावना होती है, वहाँ पर जो लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है बहुत अच्छा ऑप्शन है, और वहाँ के लोग लाइव स्टॉक फार्मिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन लोगों के लिए लाइव स्टॉक फार्मिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आज के टाइम में 7 लाख फार्मर हैं जो कि एंगेज हैं एनिमल हस्बेंड्री में, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री भी प्रॉब्लम फ्री नहीं है अगर हम बात करते हैं रूरल एरिया के अंदर। उसका रीज़न यह है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो लाइव स्टॉक है उसमें तो हम वर्ल्ड में नंबर वन हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है इस लाइव स्टॉक की वो डेवलप्ड कंट्रीज से काफ़ी फार अवे है, काफ़ी डाउन है। साथ में जो वेटरनरी केयर है वो भी डिफिसिट है, और उसमें भी सुधार की काफ़ी ज़रूरत है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फिशरीज को मत्स्य पालन या मच्छी पालन भी कहते हैं, और ये डिपेंड करता है ज़्यादातर इनलैंड और मराइन सोर्सेज ऑफ फिशिंग। इनलैंड में आपके पॉन्ड्स आ जाते हैं, रिवर्स आ जाती है, लेक्स, तो यहाँ पर इनलैंड में भी इसकी प्रोडक्शन की जाती है, इसको हम फार्मिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसकी फार्मिंग की जाती है। और फिशरीज की जो एरियाज हैं जैसे कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पर ज़्यादातर रूरल एरिया में रहने वाले लोग डिपेंड होते हैं फिशिंग पे, उन कम्युनिटीज़ में अगर हम कहेंगे वो फिशिंग कम्युनिटीज़ हैं, तो उन कम्युनिटीज़ फाइनेंशियल पोजीशन है आज के टाइम में वो बहुत अच्छी नहीं है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर इन डेट ट्रैप। अगर हम फिशरीज को एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हैं आउटसाइड एग्रीकल्चर, तो उसके लिए हमें जो बैकवर्डनेस है फिशिंग कम्युनिटी की रिलेटेड टू फाइनेंस, और टेक्निकली भी वो बहुत अपडेटेड नहीं है, जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं फिशिंग के लिए वो आउटडेटेड हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होता है जो एडवांस इक्विपमेंट्स हैं या एडवांस टेक्नोलॉजी को लेके, जिससे कि उनको वेदर की फॉरकास्टिंग हो या फिर एरिया ऑफ फिशिंग जो पर्टिकुलर कैसे फिशिंग की ग्रो किया जाए, उन सारी चीज़ों की उनमें कमी है। इन लोगों को एक तरह से क्रेडिट फैसिलिटीज़ अगर मिले तो ये अपने डेब्ट को, अपने जो कर्ज है उसको दूर करेंगे, और ज़्यादा विद द हेल्प ऑफ मोर फाइनेंस दे कैन इन्वेस्ट इन देयर फिशिंग इक्विपमेंट्स। इसके लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है, इसके लिए हेल्पफुल ये है, हम ये सजेस्ट कर सकते हैं अबाउट द सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक सोर्स ऑफ क्रेडिट है जो हमने डिस्कस किया हुआ है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि एक कम्युनिटी होती है वुमेंस की, वो 20 लोग होते हैं, और वो सब अपनी सेविंग्स को इकट्ठा करते हैं, फिर जो नीडी पर्सन होता है उसको बहुत लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में वहीं से मनी प्रोवाइड किया जाता है। इसको आप अगर देखेंगे तो विलेजेस में समूह के नाम से भी जानते हैं, इसको समूह कहते हैं। तो ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, वैसे इसका नाम है स्वयं सहायता समूह। इस तरह की अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप स्टार्ट कराया जाए जहाँ पर कोस्टल एरियाज है, लाइक कोलकाता है, तमिलनाडु है, केरला है, जो नीचे के एरियाज हैं जहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन लोगों का फिशिंग होता है रूरल एरियाज का, तो वहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हो सकती है आउटसाइड द एग्रीकल्चर, या फिर उनको माइक्रो फाइनेंस अवेलेबल कराया जाए। माइक्रो नाउ थर्ड वन इज हॉर्टिकल्चर।
agriculture includes production of fruits, flowers and vegetables. जो हमने अभी स्टडी किया है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, उसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर मार्जिनल फार्मर्स हैं, वो ये यूज कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर को, जिसमें वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या फिर फ्लावर्स को ग्रो कर सकते हैं. और इस पे काफ़ी लास्ट फ्यू ईयर्स से, 10-20 ईयर्स से काफ़ी ध्यान दिया गया, जिसकी वजह से जो हमारी कंट्री है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है ऑफ फ्रूट्स इन द वर्ल्ड. अब फ्रूट्स की बात करें तो हमारे यहाँ से मैंगोज होते हैं, बनानाज होते हैं, कोकोनट, ये ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है. अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ गोल्डन रिवोल्यूशन, तो गोल्डन रिवोल्यूशन में हाई क्रॉप प्रोडक्टिविटी हुई हॉर्टिकल्चर के अंदर, इसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को ग्रो किया जाता है. ये ईयर रहा 1991 से 2012. लेकिन साथ साथ में ड्रॉबैक्स भी इसका रहा है. जब हॉर्टिकल्चर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, तो जिस एरिया में ये हॉर्टिकल्चर इंक्रीज हुआ, मतलब ग्रोइंग ऑफ वेजिटेबल्स और फ्लावर्स, वहाँ पर उस लैंड में पहले पल्सेस ग्रो होती थी. तो लोगों ने शिफ्ट किया, और शिफ्ट किया पल्सेस से हॉर्टिकल्चर की तरफ, तो प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस कम होने लगा इस ईयर के दौरान. और पल्सेस का प्रोडक्शन कम होने से पल्सेस का जो प्राइस है वो सडनली बहुत हाई हो गया. नाउ नेक्स्ट वन इज कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री. ये भी एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है आउटसाइड एग्रीकल्चर. और कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, क्योंकि ये स्मॉल इंडस्ट्रीज में आती है, जैसे आपकी मोमबत्ती बनाना है, और जैसे आपका पापड़ बनाना है, या फिर जो सिलाई कढ़ाई का वर्क होता है जिसको वुमेन्स अपने घर में कर सकती हैं, इसको कॉटेज इंडस्ट्री भी कहते हैं. या फिर कह सकते हैं लकड़ी का सामान या फिर मिट्टी से बना हुआ सामान, इस तरह का सामान प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ 15-20 पीपल. और ये बड़ा आसान होता है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होता है, उसमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं पड़ती. जो ये प्रोडक्ट होते हैं उनकी काफ़ी डिमांड रहती है इन अ सिटीज एंड आल्सो इन अ आउटसाइड द इंडिया. तो ये एक्टिविटीज़ क्या क्या हो सकती है, और लाइक स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड ब्लीचिंग, ये रिलेटेड टू टेक्सटाइल है. अगर टेक्सटाइल को बढ़ावा दिया जाए कॉटेज या हाउस होल्ड इंडस्ट्री के अंदर, तो ये एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग वर्क दिया जा सकता है. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री का तांबा है, जो कि तमिलनाडु वुमेन्स एसोसिएशन है. ये कम्युनिटी कह सकते हैं, एसोसिएशन बनाई गई वुमेन्स की तमिलनाडु के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रूरल एरियाज में, और उन्हें ट्रेनिंग दी गई डाइवर्सिफिकेशन क्रॉपिंग की. इन वुमेन्स ने कम्युनिटी में डाइवर्सिफिकेशन या डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग की, जिससे इनकी इनकम इंक्रीज हुई, और इनकम इंक्रीज होने से सेविंग होना स्टार्ट हुई. फिर इन लोगों ने इकट्ठा होकर सेविंग को किया वहाँ पर, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी स्टार्ट की. और वो एक्टिविटीज़ कॉटेज रिलेटेड या हाउस होल्ड इंडस्ट्री रिलेटेड एक्टिविटीज़ थी, जिससे रूरल एरिया में रहने वाली जो वुमेन्स थी उनकी इनकम काफ़ी ग्रो हुई तमिलनाडु के अंदर. तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जो कि रिलेट है कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री से. साथ में अगर हम कुछ सालों से देखें, तो इनके अलावा सोप मेकिंग है, या फिर बी कीपिंग है जिसको मधुमक्खी पालन कहते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ भी काफ़ी फेमस हैं रूरल एरियाज़ में, और वो सपोर्ट कर रही हैं एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द एग्रीकल्चर को. सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.